नमस्कार दर्शकों, मैं तनुष्का, स्वागत है आपका जोहार लाइव में। आज हम मौजूद हैं एक बार फिर जनता की राय मांगने के लिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार उनका क्या एजेंडा है, किन मुद्दों को उठा करके वो वोट देंगे, किस पार्टी से वो सबसे ज़्यादा खुश हैं, क्या वर्तमान की सरकार संतुष्ट कर पाई है जनता को, तो चलिए जानते हैं। केंद्र में कुछ और, राज्य में कुछ और होता है तो उस तरह से काम करने में थोड़ा सा परेशानी होता है, इसलिए सरकार में बदलाव आना चाहिए झारखंड में, है ना। और ये सरकार का कुछ हिसाब किताब अच्छा लगा नहीं। मुद्दा तो वही रहता है कि हालांकि केंद्र सरकार सारा मुद्दा तो ठीक कर रहा है, रोड, पानी, बिजली सब कुछ तो ठीक ठाक है, अब इसको और थोड़ा सा बेहतर बना दे, यही मुद्दा है। उसका तो कुछ वैसा लगा नहीं, क्योंकि जितना भी जो है वो सब केंद्र से ही आ रहा है लगभग। यहाँ पे राज्य सरकार तो कुछ प्रिफ्रेंस वगैरह वैसा कुछ दे नहीं रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी बहुत सी काम कर रहे हैं, बहुत सा नीचे से ऊपर तक सारा चीज़ को लेके चल रहे हैं, इसी के कारण ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। बढ़िया चले, अच्छा चले, शांति रहे, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। ये तो मोदी जी ते वोट जाएगा मैम, हमारे भाजपा का ही सरकार आए, मोदी जी ते ही सरकार आए, उसका नेतृत्व में बढ़िया चल रहा है देश, सब चीज़ तो बढ़िया हो रहा, पानी का व्यवस्था है, लाइट का व्यवस्था है, रोड नाली का व्यवस्था बढ़िया है, इसी मुद्दे पे वोट हम देना चाहते हैं। हमें इस सरकार को हटाना है और कांग्रेस सरकार को लाना है, गठबंधन सरकार बनने से अच्छा होता है कि एक सरकार होने से रात कहेगा तो रात हो जाएगा, दिन कहेगा दिन कहेगा। जैसे हम लोग यहाँ तो है JVM की सरकार अच्छा चल रहा था, अभी 54 सुरन भी है, अभी अच्छा ही काम कर रहा है। एक मुक्त फ्री चावल देने से विकास नहीं होता है। जब 450-350 गैस था उसको 1100 कर दिया, अब अभी हारने के समय कर रहा है 100 बढ़ा कम कर दिया, तो ये सरकार गलत है ना, कि 9 साल चलाया, 10वां साल जा रहा है तो 100 कम कर दिया गैस को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम करना तो पहले कर कम करता है, क्या कहेंगे हम लोग। तो भाई यही चाहेंगे कि भाई अंग्रेज सरकार दुनिया बनाए हैं, बड़ा बड़ा ACIC बनाए हैं, विकास पर विशाख बोकारो बनाया है, बोकारो स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम भिला स्टील प्लांट बनाया है, बड़ा बड़ा डैम बनाया है, बड़ा बड़ा बिजली बनाया है। आज उस बनाए को काम को देख रहा है कि आज हटिया को 8 साल से पेमेंट ही नहीं हो रहा है। ऐसा है कि सरकार तो ठीक ही चल रहा था, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से तो बता नहीं सकते हैं कुछ कि क्या है नहीं है। अब लोकसभा का चुनाव है, इलेक्शन का डेट भी आ गया, कुछ दिन में अब माहौल भी चेंज हो जाएगा, और जो भी आए हमारे राज्य में मंत्री, चाहे जो हैं पहले से, उनमें से कोई चंपाई सोरेन, चाहे कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन ही आ जाए। अब पब्लिक का डिमांड तो है कि कुछ चेंज होना चाहिए, क्योंकि शायद कुछ तो कमी रहा होगा बीते हुए सरकार में, तभी इस तरह का माहौल बना है। और रहा बात वोट देने का, तो इस बार तो BJP को देंगे। मुद्दा कोई नहीं है, बस खाली क्या है ना कि अगर एक ही सरकार अगर हमेशा रहे तो कुछ समझ नहीं आता है। 5 साल में अगर चेंज हो जाए, राज्य सरकार खास करके चेंज हो, लेकिन लोकसभा में जो चल रहे हैं वो चलता रहे।